मेरे को लग नहीं रहा है कि स्मूथ यहाँ पे गेम निकाल पाए, टू बी ऑनेस्ट पाए, शायद मेरे को लग रहा है इसको पता भी ना हो। यार लो और बन भी बन तो इजी इजी यहाँ पे तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ में, एक और कंटेंट के साथ में। क्या बात है आज जो हम लोग चैलेंज करने वाले हैं भाई, वो हम लोगों ने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी क्या हम लोग कोई कंटेंट बना सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कि 1v5, 1v6 चैंपियनशिप, 1v4 इतना किया है, बट कभी ये चीज उसमें भी अप्लाई नहीं की। काफी अफसोस की बात है। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि इस गन से खेलना है, उस गन से खेलना है, ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, बट जो यहाँ पे प्लेयर की 1v5, 1v6 में स्ट्रॉन्ग चीज होती है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कि आप लोग मानो अपोनेंट के पास में एडम होता है और इन प्लेयर्स के पास होता है गाइस, कहीं पे नायरी होगा, पहले टाइम में स्काइलर होता था, तात्सुया होता था, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स की जिससे एडवांटेज इनको मिलता था। बात तो सही है कि यार 1v6 निकालना है, अपोनेंट से अगर दूर जाना है तो तात्सुया मारो, बहुत दूर भाग जाओगे और अपोनेंट इधर उधर तितर बितर यहाँ पे हो जाएंगे। ये एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, क्योंकि मोस्टली 1v5 1v6 में ही है कि भाई आपको एक एक करके प्लेयर्स को मारने। अब ये मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, एक साथ पांच आ गए तो मारना बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। या फाइनली बता देता हूँ, आज हम लोग करने वाले हैं नो कैरेक्टर स्किल चैलेंज। जी हाँ, जिसमें स्मूथ के पास कोई कैरेक्टर स्किल नहीं होगी और अपोनेंट के पास भी नहीं होगी। और ये जो चैलेंज है ये है 1v6 का। तू रोकेगा मेरे को? तो स्मूथ ब्रो, आई थिंक मेरे को लग रहा है अभी तक बहुत सारे चैलेंज में तुमने ऐसे ही बोल दिया होगा कि हाँ चलो ठीक है यार कर लूंगा, बट इसमें कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि क्या तुम्हारी भी फट रही है भाई इस चैलेंज में। डरने से क्या फायदा है? बट गाइस, और भाई आजकल स्मूथ तुम्हें पता है वेलो वगैरह बहुत ज्यादा खेल रहा है, गद्दारी कर दे। गेम भी बंदे बोल रहे हैं कि यार स्मूथ का कहीं ना कहीं गेम डाउन चल रहा है, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि स्मूथ यहाँ पे गेम निकाल पाए, टू बी ऑनेस्ट। अभी बता था भाई, बट मैच के अंदर जाके देखेंगे क्या होगा, किस तरीके से बंदा खेलता है। चलो तो गाइस सीधा चलते हैं मैच की तरफ। गाइस अभी के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप लोग अपनी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि भाई हम एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करता हूं। तो यार मैं यूज करता हूं streetfow.org का। एक्चुअली मैं इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूं, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं इसलिए ट्रेड करता हूं क्योंकि ये काफी रिलायबल और सिक्योर है। एंड गाइस ये फाइनेंशियल कमीशन का मेंबर भी, मतलब अगर आपके फंड्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फाइनेंशियल कमीशन आपको इंश्योरेंस देगा आपके फंड्स का विद अप टू 20,000 यूरो, मतलब की 17,60,000। और इस ब्रोकर में अगर आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको साल का 18% इंटरेस्ट मिलेगा। और गाइस इसमें 80 तरह की करेंसी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलो यार बताता हूं तुमको ये काम कैसे करेगा। तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप जिस भी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो उसे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में न्यू ऑर्डर पर जाना है और अपने ट्रेड को प्लेस कर देना। और यार ये देखो मेरी ट्रेड हिस्ट्री, लास्ट कुछ दिनों में मैंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। तो यार मौका हाथ से बिल्कुल मत जाने दो, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक पिन मिल जाएगा, और तुरंत जाके साइन अप करो, और मेरा प्रोमो कोड तो यूज करना बिल्कुल मत भूलना, उससे आपको 100% डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा। और इस बोनस के अलावा भी स्ट्रीफो ने एक और बोनस ऑफर निकाला, यहां पे आप लोग अगर BTC में डिपॉजिट करते हो तो आपको 50% BTC बोनस भी मिलेगा। तो गाइस स्ट्रीफो के साथ सफल इन्वेस्टर की दुनिया में शामिल हो जाओ। चलिए गाइस आ चुके हैं, और लिटरली आ रहा, कभी ऐसा चैलेंज किया नहीं है। इवन अभी तो आप लोग पता है कि कितने ज्यादा 44 मैचेस हो रहे हैं, एक प्लेयर को नॉक किया, कितने सारे 44 मैचेस चल रहे हैं। 1v4 1v5 तो लंबे टाइम से हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, 2v6 ही खेला था लास्ट टाइम स्ट्रीम पे स्मूथ के साथ, बट आज एक प्लेयर क्लोज में है भाई, ग्लूवल लगाई है, बट स्मूथ के आगे, अरे स्मूथ के आगे उससे लास्ट प्लेयर कैसे लग रहे हैं, रिफ्लेक्सेस काफी स्लो है यहाँ पे भाई। ये लो एक और प्लेयर को नॉक कर दिया। चलिए 1v3 सिचुएशन है, बट अगर राउंड की बात करें तो ऐसा लग रहा है स्टार्ट होते क्या खत्म कर दिया, तीन प्लेयर तो यहाँ पे जा चुके हैं। और ग्लोवल के ऊपर भी भाई डैमेज क्या दे दिया है, तो जाने वाला है भाई। और गाइस आप लोग बताए सिर्फ दो मैकेड आपको यहाँ पे मिलने वाली है, हर राउंड में आप लोगों के पास दो रहती है, फिर एनिमी की लूट बॉक्स से आप छुड़ा सकते हो। ये 1v3, बट पहले एक प्लेयर को लेना चाहेंगे, यही स्ट्रेटेजी बहुत बार हम लोग देखने के लिए मिलती है कि भाई 1v1 करके यहाँ पे फिनिश कर दे, बट स्मूथ की एक्यूरेसी इस तरीके की है भाई, लगातार इधर उधर दो तीन या चार प्लेयर को भी फिनिश कर सकता है ये बंदा। जी हाँ, इतनी कैपेसिटी या फिर बोले इतनी क्षमता इसमें है, और तारीफ करते भाई ये तो बबलू भाई की स्क्वाड आ गई है, लग रहा है बबलू भाई का गैंग आ गया अपोनेंट में। बढ़ते हैं गाइस,
ओह नाइस, यहाँ पे पहला नॉक बहुत ही अर्ली, एक और प्लेयर सामने से आ रहा है। और भाई ऐसा तो शायद इस मूड अपने वर्स्ट सिचुएशन में भी प्लेयर को ना छोड़े कि सामने से बंदा आ रहा है, बट इस बार वुडपीकर के साथ है, वुडपीकर शॉटगन के दोनों खबलों देखने के लिए मिले। रिवाइव नहीं होगा तो बंदों ने उन्होंने गिव अप भी कर दिया है क्योंकि अपोनेंट रिवाइव नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बट भाई एमपी डैमेज बहुत ज्यादा दे रही है और उनके भी स्ट्रेटजी कहने की खतरनाक है ये स्ट्रेटजी। और लीजिए एक और नॉक। ये स्ट्रेटजी खतरनाक इसलिए है कि भाई मैकेड लिमिटेड होंगी, या तो उसको लूट करनी पड़ेगी लूट बॉक्स से। और नॉक को भी हेड शॉट। भाई मैं बस देख रहा हूँ कि कुछ अबनॉर्मल आने वाला है क्या भाई। और ये लो भाई, एक ही प्लेयर यहाँ पे बचा है, बैक टू बैक यहाँ पे हेड सो गया बचपन से, पहले कमबैक कर लिया यहाँ पे। लेट्स सी गाइस, अभी तो शुरुआत है, वो बेस्ट राउंड बोल सकते हैं, बट बाकी राउंड्स में क्या गेम निकाल पाएगा, मेरे को लग रहा है शायद यहाँ पे चूक जाए स्मूथ, क्योंकि यार विदाउट कैरेक्टर स्किल 1v6 इस तरीके से हम लोग। ओहो ओके, एक्सीलेंटली भाई, जिस प्लेयर को सपोर्ट कर लिया ना, और इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एनिमी को सीधा ओपन में बंदा यहाँ पे पकड़ रहा है। शुरुआत राउंड होते ही यहाँ पे एक से दो नॉक बट लाए, आई थिंक फंस गए यार ये एमपी भाई। ओ ये एमपी वाला कितना परेशान कर रहा है भाई, ये बबलू भाई तो नहीं आ गया है ना कहीं, पहले प्रैक्टिस करके देख रहा हूँ कि स्मूथ से प्रैक्टिस करते हैं पहले, तो क्या गंदा डैमेज दे रहा है एमपी बॉडी से, पर एक यूएमपी से भी उसका तो खैर रिफ्लेक्सेस काफी स्लो है, इतने में स्मूथ इधर से उधर यहाँ पे पहुंच जा रहा है। तीन प्लेयर बचे हैं अभी, डैमेज यहाँ पे दिया जरूर है। ये लो एक बंदा, तो भाई वुडपीकर से ये हम लोग बोलते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए, वुडपीकर से दूर से यहाँ पे गाइस पीक लेके वेट करते रहते हैं यहाँ पे, और इवन फ्लैंक करते हैं भाई, छह प्लेयर में बंदा फोकस नहीं कर पाता पीछे से कौन आ रहा है, मोस्टली फ्लैंक भी ऐसा होगा, साइडवेज भी नहीं होगा, बिल्कुल पीछे से यहाँ पे फ्लैंक देखने के लिए मिलता है। बट लेट्स सी गाइस, दो प्लेयर बचे हैं 1v2। ओपन में यहाँ पे आ गए तो भाई स्मूथ से नहीं यहाँ पे बच पाओगे। और ये जो दूसरा हेड था भाई, ये बहुत ही प्यारा था, ये पीक का राउंड है यार, छह प्लेयर है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, जी हाँ इतना सन्नाटा क्यों नजर आ रहा है भाई। ये तो लड़की मेरे को लग रहा है यूएमपी वाली है ना, अभी शॉटगन ट्राई कर रही है, ये तो ऐसा लग रहा है ग्लूवल लगाने में ही रह जाएगी, इधर से उधर उधर से उधर। एक प्लेयर को नॉक कर दिया स्मूथ, अब अपने यहाँ पे लोकेशन चेंज करना चाहता है बाकी प्लेयर्स को भी, बट मेरे को डर वही है भाई, जो दूर दो बंदे खेल रहे हैं वो कहीं इधर उधर तो छुपे ना हो। गंदी गई है यार भाई, बंदे स्मूथ से छुपके भाग रहे हैं, छुपके खड़े हैं दूर, व्हाट द हेल, 1v6 में भाई इसी का डर है स्मूथ को भी, क्योंकि एक एक करके तो भाई प्लाई खतरनाक कर रहा है ये बंदा, ये निकल ही नहीं रहे इसलिए सन्नाटा है वो। ओ भाई एक प्लेयर तो जोन में नॉक हो गया, आई थिंक एलिमिनेट भी हो गया भाई एक बंदा। ओके 1v2, खौफ तो है यार, खौफ तो नजर आ रहा है बंदे का, खौफ तो रियल रहता है भाई स्मूथ जब तक बचा रहेगा, होप यहाँ पे। और लो भाई अच्छे से जज भी नहीं कर पाया प्लेयर के स्मूथ एग्जैक्टली यहाँ पे है कहाँ पे, और एक लास्ट प्लेयर बचे हैं, लास्ट प्लेयर भाई जो ग्लू वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी, बंदा पीछे से लगे जल्दी से ग्लू वॉल ब्रेक, शॉट भी लिया था बंदे ने बट अब नहीं बच पाएगा भाई, अब यहाँ पे बच पाना मुश्किल है क्योंकि 1v1 की फाइट तो ये बंदा मिस ही नहीं करता है। HP कम है बट फिनिश यहाँ पे कर दिया है, बट यार काफी मतलब बंदों को डरा के रखा है खौफ में भी, और वन साइडेड गेम सा नजर आ रहा है शुरुआत इस तरीके से। ओके गाइस, एक प्लेयर राइट में आ चुका है, ओ भाई वो एमपी वाला ही है, इसको पहले लेना पड़ेगा, और जी हाँ उसको पहले लिया भी है यहाँ पे। ओके Here we go, situation. अब यहाँ पे चार प्लेयर बचे,
भाई इसको समझ ही नहीं आया कब इधर से हुआ है, शायद मेरे को लग रहा है इनको पता भी ना हो। बट ये क्या था यार इतना फास्ट था क्या वो दोबारा से। चलिए एक लास्ट प्लेयर बचे हैं अभी यहाँ पे, लास्ट प्लेयर की बात की क्लूवॉल से अपने आपको कब। भाई मेरे को लग रहा है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि हो क्या रहा है यहाँ पे इनके साथ में। यहाँ पे भाई ये प्रॉपर और लीजिए, ये प्री फायर शॉट दिया था भाई, इधर भी एडवांस चल रहा है। ये लो भाई माइंड में एडवांस चीजें भी चल रही है यहाँ पे, गए सिचुएशन 1v4। लेट्स सी गाइस, ओके बहुत ही प्यारा गए सिचुएशन 1v। अरे ये कैसे दे जंप करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके नाइस, एक क्लियर को नॉक और एमपी से डैमेज भी दे रहा है, और लीजिए एक और नॉक। लेट्स सी 1v4 और अब यहाँ पे सिचुएशन की तरफ को खींच रहे हैं बाकी प्लेयर्स को। अरे 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 ये तो डेजर्ट शॉटगन, ओ नाइस, ये तो जबरदस्त भाई, दो दो शॉट भी चल रहे हैं यहाँ पे। बस वो बोल रहे भाई कैसे भी करके यार इस प्लेयर को मारो, इस प्लेयर को मेलो भाई, गेम जाना नहीं चाहिए। और एक और सरप्राइज देता हुआ यहाँ पे प्लेयर, 2-4 यहाँ पे इसको, और दो ही प्लेयर बचे हैं भाई, ये यूएमपी वाली भी वो बची है, ये भी खतरनाक साबित हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि MP40 और यूएमपी वालों से ही ज्यादा डर यहाँ पे लग रहा है अभी। और लीजिए भाई एक और प्लेयर को नॉक कर दिया है भाई, नाइस 62 का यहाँ पे हेड भाई, एक और यहाँ पे कनेक्शन लगाया सीधा हेड। ओके ये तो इजी पीजी था कि भाई लास्ट में एक ही प्लेयर बचा है और देखा बन नहीं पाया भाई, दो शॉट में भी बंदा सरप्राइज यहाँ पे दे गया। ओफ गया 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 भाई, 22 HP एमपी वाला नहीं, यहाँ पे चैलेंज किए हैं यार, ये मैंने अच्छे से देखा नहीं, या फिर ये कुछ अलग ही मार दिया बंदे ने। ये क्या तो भाई मैं कहना चाहूंगा भाई, मेरे मुंह से निकल गई कि मैंने बोल दिया बहुत ही स्लो यहाँ पे रिफ्लेक्सेस है भाई। ये लो ये तो हाइट का यूज कर रहे हैं जी, आप पहले ही बंदा ऊपर जाके बैठ गया यहाँ पे। ओके लेट्स सी ऊपर से, ओए होए बिल्कुल मुंह पे यहाँ पे हेड। ओके 1v3 यार लो ओपन में तो आना पड़ेगा गाइस फाइट करने के लिए, और बंदा जोन में जाने का ट्राई कर रहा था, ग्लू वॉल भी वहां पे लगाई थी बट पकड़ा यहाँ पे गया, और अब बैटल बचा 1v1 और 1v1 तो इजी पीजी यहाँ पे प्लेयर निकाल देगा। वेल लिटरली भाई ये चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया है, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है, बट हेड्स ऑफ यहाँ पे जिस तरीके से बंदे ने खेला है गाइस, 44 किल यहाँ पे।